तो आज आपको कृति सनोन और प्रभास की शादी, उनकी डेटिंग रूमर्स, उनके प्रपोजल और उनकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के बारे में मुकम्मल सच बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। पिक्चर्स और सारी की सारी वीडियोस इस टाइम पर जो कि उनकी शादी के हवाले से बहुत ज्यादा वायरल पर जा रही थी, वहीं पर कृति सनोन को एक्चुअली प्रभास के साथ बहुत सारी डेटिंग रूमर्स और इनका बॉयफ्रेंड कहा जाता है। लेकिन ये बात ज्यादा तब पक्की हुई जब खुद भेड़िए ने, यानी कि वरुण धवन ने, जिनकी मूवी आने वाली है भेड़िया, कृति सनोन के साथ और रियलिटी शो में प्रमोशन के दौरान खुद वरुण धवन ने बात कन्फेस की कि कृति सनोन के दिल में वो बंदा है जो कि इस टाइम पर दीपिका पादुकोणे के साथ शूटिंग कर रहा है। कृति सनोन इस टाइम पर खासी कंफ्यूज भी नजर आए कि ये क्या कह दिया है वरुण धवन ने, इतनी बड़ी बात इतने बड़े रियलिटी शो में कह दी। वहीं से बात हवा लेने लगी और ये बात यहां तक पहुंच गई कि बहुत सारे न्यूज पोर्टल ने ये बात लिख भी दी कि कृति सनोन को प्रभास ने अपनी मूवी की सारी शूटिंग के दौरान ही खुद अपने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया था और बहुत जल्द इन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। इन सारी की चीजों पर जिस तरीके से कृति सनोन ने रिएक्शन दिया है वो आपको बताएंगे। कृति सनोन ने लिखा कि सारी की सारी चीजें जो कि भेड़िया ने एक रियलिटी शो में कही और उसके बाद वो रूमर बन गई, ये सारे के सारे एक फन बंटर था जो कि वाकई बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बन चुका है। इससे पहले कि कोई भी न्यूज पोर्टल आए और मेरी शादी की डेट्स को अनाउंस करे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज पोर्टल ने ये कहा कि बहुत जल्द इनकी मंगनी होने वाली है, उनका कहना था कि कोई भी न्यूज पोर्टल आए और मेरी शादी की डेट अनाउंस करे, इससे पहले मैं खुद ही कह दूं कि सारी की सारी चीजें रूमर्स है, इनकी अफवाह है और सारी की सारी चीजें बेसलेस है, ऐसे कोई भी चीज नहीं है, नो लव एंड नो पीआर। खैर व्यूवर्स, आपको इस सारी की चार चीजों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कृति सनोन ने भी खुद कन्फेस कर दिया है कि वो उनका और प्रभास का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।